आपका किंग इन किचन में। मैं हूं संतोष और आज मैं आपके लिए एक बटर रेसिपी लेके आया हूं। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं केल फूल की रेसिपी। केल फूल यानी केले का फूल यानी कि बनाना फ्लावर। ये देखने में इस तरह लगता है। तो क्या आपको मालूम है कि केल फूल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स में बहुत ही रिच है। विटामिन जैसे कि विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, जिन्हें भी डायबिटीज या एनीमिया की शिकायत है वो केल फूल या बनाना फ्लावर की रेसिपी को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और आयरन भी होता है जो कि रेड ब्लड सेल के क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। इसे बनाने में तो बहुत ही कम वक्त लगता है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगता है इसे क्लीन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम केल फूल को क्लीन करेंगे और किस तरह हम इसकी भाजी बनाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं केल फूल की भाजी। तो चलिए देखते हैं पहले केल फूल को साफ करने का तरीका। पहले हमें इसके 3 से 4 लेयर निकाल लेने हैं, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होगा। इस तरह हम इसके ऊपर के 3 से 4 लेयर को निकाल लेंगे। फिर इसके फूल के अंदर पतले पतले स्टेम्स होते हैं, हमें उसे भी निकाल लेना है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा बटर मिल्क। फिर हम इसके फूल को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इसे हम डाल लेंगे बटर मिल्क मिक्स किया हुआ पानी में। अब हमें इसे काटने का 2 तरीका है। इसे हम सर्कल जैसे काट लेंगे, फिर हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, या फिर हम इसे इस तरह भी काट सकते हैं। ये थोड़ा आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छी तरह काट लेने के बाद इसे भी हम डाल लेंगे बटर मिल्क वाले पानी में। इससे क्या होता है कि ये काला रंग में चेंज नहीं होगा, नहीं तो उसका रंग काला हो जाएगा। फिर भाजी बनाने के लिए हम एक सॉस पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 स्पून तेल। फिर तड़का के लिए हम डालेंगे राई दाना, करी पत्ता, थोड़ा चावल और सूखी लाल मिर्च। चावल से ये थोड़ा क्रंची टेस्ट देगा। फिर हम फूल को अच्छी तरह ड्रेन कर लेंगे और फिर हम इसमें तड़का के साथ डाल देंगे और इसे तकरीबन 2 मिनट तक स्टिर फ्राई कर लेंगे। फिर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे ढक करके तकरीबन 10 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। इसे हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह पक गया है। फाइनली हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट और फिर इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। तो बस दोस्तों, हमारा केल फूल भाजी बन के तैयार हो गया है। अभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।